तो स्वागत है गाइस आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यूट्यूबर्स को हैंडसम बनाने वाले। जी हाँ, उनको क्यों क्यों भाई, यूट्यूबर्स लोग हैंडसम नहीं है क्या? मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ? अगर तुझे लगता है कि तू हैंडसम है तो अभी तक तू एक बहुत बड़े ख्वाब में था। हैंडसम बनाना है ना यूट्यूबर्स लोग को, जाके घर में फेयर एंड लवली दे दे। नहीं 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 नहीं, शायद उनको फेयर एंड लवली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। अभी बता हैंडसम किसको करना है भाई, कर देंगे हैंडसम। और चीज याद रहा, इसके अंदर एक रूल है कि अपने को इमेजिनेशन से बनाना है, ठीक है? मतलब हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है यूट्यूबर का एक्स वाई जेड व्यू, वो कितना हैंडसम दिख सकता है उस हिसाब से बनाना है अपने को। जैसे कि मेरे दिमाग में अभी मैं आया था सबसे हैंडसम यूट्यूबर। भाई जहां तक मुझे लगता है ना, मेरे को ट्रिगर इंसान को ज्यादा हैंडसम बनाना चाहिए। क्या मतलब वो हैंडसम नहीं है? अरे मतलब हैंडसम है, बट मैं ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, समझ रहा है ना तू? और आप लोग को तो पता होगा मिथपैट कितना ज्यादा हैंडसम है। लाइक अगर वो घाटकोपर में निकलता है ना भाई, सब लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं। शादीशुदा है भाई वो। शादीशुदा तो सलमान खान भी है। सलमान खान शादीशुदा है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरी इमेजिनेशन लेवल तो आप सबको पता है कितनी खतरनाक है। तो ट्रिगर्ड इंसान दिखता कैसा होगा? उसका मुंह होगा ऐसा, ऐसा केले का छिल। भाई मिथपैट का शकल लंबा है ना, उसकी शकल को ना मैं और लंबा करने की सोच रहा हूँ। लाइक इतना लंबा करने की कुछ सोच रहा हूँ, और यहाँ से भी इतना। ओ परफेक्ट परफेक्ट, इतना लंबा शकल कर दिया मैंने उसका। ये ट्रिगर्ड इंसान कम, ये तो झिंगुड़ का बच्चा लग रहा है भाई। भाई भाई मैं मिथपैट को क्या बियर्ड दे रहा हूँ यार, मिथपैट क्या हैंडसम दिख रहा है। ओ माय गॉश, ये बियर्ड सबको होनी चाहिए। अभी हैंडसम बना रहा हूँ भाई, पैक से नहीं बनाया। हाँ मैंने बना ली गाइस, मैंने बना ली। हाँ भाई मैंने बना ली, बहुत अच्छा बनाया भाई। मेरा मिथपैट इतना ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा हैंडसम है कि इसको बालिच नहीं बेड़ू। भाई मेरा ट्रिगर्ड इंसान के तो हाथ में पोलियो हुआ है भाई। भाई मैं क्यूरियस हूँ बहुत ज्यादा तेरे ट्रिगर्ड इंसान को देखने। जस्ट आई वांट टू सी द ट्रिगर्ड इंसान। ये देखो, ये देख। भाई लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तूने मुझसे अच्छा पेंटिंग बनाया। तूने देखो मेरी पेंटिंग देखनी, मिथपैट को देखना कैसा दिख रहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ सर, दिखाइए कहाँ पे आप। गालियां मत देना यार कोई। ये कौन सा एलियन है भाई, देख रहे हैं इसको क्या बना। भाई इसको तो इसके खुद के मम्मी पापा नहीं पहचान पाएंगे। एंड उसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो यस डेफिनेटली, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करना हमारा एम है। तो यार तुम सब्सक्राइब कर दो, ओके बस काम हो जाएगा। भाई बहुत बना लिया ट्रिगर्ड इंसान को, अभी मैं बनाने जा रहा हूँ सारे रोस्टर्स के बाप। आपको बताइए होगा किसको बनाने जा रहा हूँ। कैरी का मुंह बहुत छोटा है। अरे बहुत छोटा है भाई, दिखता ही नहीं है बैंडी। और मैं बनाने जा रहा हूँ दुनिया इस YouTube के सबसे वाहियात, घटिया एंड मोस्ट अनटैलेंटेड पर्सन। नहीं, मैं बिल्कुल भी ट्रिगर्ड इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ मिथपैट। भाई मैं भुवन बम एक मिनट, बट मैं भुवन बम को बनाऊंगा कैसे भाई, उसके साथ शक्ल है। मैं बनाने जा रहा हूँ टीटू मामा को। भाई खुद खैरी में आड़ी मेरे को पैसे देके जाएगा, ये ले और मत बनाना। ओ वाह, ये ऐसा लग रहा है ये मैं ना मैमी पोको पैंस का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर खैरी मिराडी। शाबाश, मैं साधारण चूतिया तो पूछता है वीडियो क्यों है। ऐसा लग रहा है कि भाई सुबह वो मम्मी उठाती है ना, नींद से जगाती है ना मम्मी, इसको ऐसा लग रहा है कि ठंडे पानी के जगह गर्म पानी से उठा दिया भाई। ये भुवन बाम इतना गुस्सा क्यों लग रहा है भाई, कौन इसका यूट्यूब चैनल चुरा के लेके गया। अब मैं भुवन के प्यारे होंठ बना रहा हूँ। इसके पैक से तो ऐसा लग रहा है कि भाई शाहरुख खान ने भाई फिनाइल खा लिया हो। भाई क्या कर रहा है, मेरे को भी दिखाना जरा तू। सऊदी अरेबिया का भुवन बाम बना रहा हूँ। अब जैसे कि आप कहते हैं भुवन बाम, तो बाम भी जरूरी है, आ जाओ एक झंडू बाम बनाते हैं यहाँ पे। ये कटोरा, ये सुबह सुबह भाई पटरी में वाला कटोरा क्यों बनाया भाई। भाई झंडू बाम, ये भुवन बाम नहीं, ये झंडू बाम बनाया हमने। भाई इस भुवन बाम को लग रहा है कि भाई कंबल में डाल के किसी ने पीटा है भाई, अंदर के हड्डी सारे टूट गए। और इसके मुंह को मैं पर्पल कर दूंगा, मार्स का बैंगल लग रहा है भाई ये तो एकदम। भुवन बम वी ट्रूली लव यू, ओके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको पता है दिल इंपॉर्टेंट है, बट दिल के साथ इंपॉर्टेंट है ये किसने बोला था। ओ अरे ये एक्चुअली क्या, हम लोग इस दिल को इससे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से।
और जैसा कि आपको पता रहेगा भुवन भाई का दिल काला है। और उसी के साथ हम लोग पिंक कलर लेंगे, इसको पिंक कर देंगे इसको। और हमारे सभी पेंटिंग्स को रेट दो, 10 out of 10, 11 out of 11, कितना रेट दोगे? इसको मैं रेट दूंगा -71, इसको तो मैं रेट ही नहीं दूंगा। Guys, मैं बनाने जा रहा हूँ the one and only GTA King, हमारे उज्जल चक्रवर्ती, टाइटल क्या है भाई उनका पता नहीं भाई, जो भी है। एंड मैं बनाने जा रहा हूँ वन एंड ओनली हमारे फ्री फायर के 9 साल के ऑडियंस के डायमंड के किंग टोटल गेमिंग। ठीक है चलो ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अब आपको पता रहेगा टोटल गेमिंग ने बोले तो अपना फेसिस रिवील नहीं किया है, मतलब उसको थोड़ा किसी ने देखा ही नहीं है। एड्रॉक तूने देखा है? हाँ मैंने देखा है, देखा है मैंने। कहाँ देखा है? पता नहीं। अरे अरे मेरे को अभी याद आएगा टोटल गेमिंग का शक्ल, यो मॉस्किटो भाई, मैंने तो उज्जवल को इतना अच्छा बनाया ना गाइस, क्या बताऊं भाई, मैं तो लियोनार्डो दा विंची का बच्चा हूँ। फिर तो तुझे म्यूजियम में होना चाहिए था। ये क्या बात है भाई, मेरा उज्जवल तो बन गया, बहुत मस्त बनाया भाई मेरा उज्जवल। दिखा भाई मेरे को तेरा उज्जवल देखना है एक्टिवा की शक्ल के। ये देख देख इसको देख। हाँ बे ये तो उज्जवल ही है। यस यस मैं तेरी बात से पूरी सहमत हूँ, यस ये उज्जवल ही है। ये जो उज्जवल है ना वो नेंदरतल टाइम्स का है, ये अभी मॉडर्न उज्जवल नहीं है, ये अभी ह्यूमन, ये अभी स्पीशीज है, वो अभी कन्वर्ट होने वाला है इनटू ह्यूमन। अच्छा बनाया है ना फेंटोन, सच्ची बताना। या ब्रो इसको तो वाकलांडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। वाकलांडा यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय फेंटन एंड एड्रॉक। भाई तुमको टोटल गेमिंग का थोबड़ा देखना है? ये लो भाई दिखाओ यार टोटल गेमिंग का थोबड़ा, कहाँ पे भाई दिखाओ। ये है टोटल गेमिंग का थोबड़ा भाई, उसको उसका फेस बनाने को बोला था, उसका वो नहीं, दिल की धड़कन नहीं भाई। अबे रिक्शा नहीं जाएगा, इसको सीधा कर देता हूँ। ये देख एड्रॉक, एड्रॉक ये देख, हार्ट बीट देख एड्रॉक, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ओके 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 ओके। ये लो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल गेमिंग हार्ट बीट पावर्ड बाय डॉक्टर अभिषेक। भाई ये टोटल गेमिंग हम तो अब बारी है बस्ती का हस्ती ब्रो, पीछा बेबी, अब बारी है फुटपाथ एंड काला हिरण। ओके सल्लू भाई को बनाने के लिए, सल्लू भाई तो अभी अपने चिकने विकने बंदे हैं, है ना, मिल मारे को कई बार। आपको तो पता रहेगा एम्सिस्टन ऑलरेडी इतना ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज्यादा कूल है, इतना ज्यादा फैंटास्टिक है, इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि भाई उसके आगे ज़ेन मलिक फेल, नहीं उसके आगे ऐश्वर्या राय फेल। तेरे नाम हमने किया है। अब मैं तो बोल रहा हूँ भाई अगर तू सलमान खान को बना रहे तो उसके बाद उसका बॉडी गार्ड ही बना दे। जिसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। हाँ ये आपको नहीं पता, ये एक्चुअल में एक सच्ची न्यूज है, ये देख लो। दोस्तों आपने सलमान खान के साथ एक बॉडीगार्ड जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। ये घाघरा चोली में क्यों है भाई, घाघरा क्यों पहना है भाई सलमान खान ने? आराम से भाई, शेरा तेरा वीडियो देख रहा रहेगा भाई, फिर सलमान खान के बाद तेरा नंबर। फिर ऐसे न्यूज में आएगा, क्या आपको पता है एड्रॉक जो कि सलमान भाई का पेंटिंग बना रहे थे उनको शेरा ने प्रेग्नेंट कर दिया है। भाई एमसी स्टैन के जो आईब्रोज हैं वो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क है। ये मैंने बना लिया शेरा को, ये है सलमान भाई। ओहो एमसी स्टैन ढुकर वर्जन रेडी हो रहा है। रेस्पेक्ट फॉर बीइंग ह्यूमन गाइस, बीइंग ह्यूमन बहुत ज्यादा डोनेशन करता है गरीब बच्चों को, तो उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट। यस ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो, तो इसे आप एंटरटेनमेंट तौर पे ही लीजिए भाई, और पे लीजिए। रुक जा एमसी स्टैन की जॉलाइन बना रहा भाई, थोड़ी भी मस्ती हो गई ना एमसी स्टैन, बस्ती का हस्ती ब्रो घर आ जाएगा। भाई एमसी स्टैन बहुत अच्छा यार, वो लाइक वो ना माँ बाप पे कभी गाली नहीं देता, माँ बाप पे कभी गाली नहीं देता गाइस, आपको पता है, मतलब उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि माँ यार माँ कैसा लगता है वहाँ पे गाली, बहुत अच्छा यार। यार मेरे को देखना है भाई, देखना है प्लीज, दिखाओ दिखाओ भाई, एमसी स्टैन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये पोकेमोन लग रहा है भाई कहीं का।
Yeah, it's Raichu. मैंने सुना था एम्सिस्टेंट फूकता है ये, कुछ इसने कुछ ज्यादा ही फूक लिया भाई, इसका इसका इसने इतना ज्यादा फूक लिया इसका प्रोटीन इधर उधर हो गया भाई, एक हाथ मोटा एक हाथ चिकना. Oh yeah, Rockstar. ऐसा लग रहा है इसको 200 एम्पियर का शॉक दे दिया है. ऐसा लग रहा है कि ये अपना फोन कहीं और से चार्ज करवाता है. शेरा एंड सलमान को देखना है. या ऑब्वियसली ब्रो. शेरा को पोलियो का डोज नहीं दिया था क्या बचपन में? और ये बीच जैसा क्यों लग रहा है, उसका नाक देखना. और दांत तो ऐसे जैसे कि 10-20 बच्चे खा लिए सलमान भाई ने. तो या वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. करता वीडियो चली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से जरूर. बाय बाय.